हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतना मज़ेदार हेल्दी नाश्ता कि जो आप सुबह बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है ना, इसको आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, हम उसी से बना सकते हैं मज़ेदार सा हेल्दी नाश्ता। बहुत ही यम्मी, बहुत ही सॉफ्ट, और ये देखिए कितना फ्लफी है। मतलब खाने की बात से ना तो मज़ा ही आ जा रहा है, जैसे लग रहा है कि पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरता है, ऐसा वाला नाश्ता है ये। तो चलिए फिर आज बहुत ही मज़ेदार नाश्ते बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लेंगे एक कोई गहरा सा बाउल, और उसमें मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप अपने पास रखें, और जो हमारे पास सूजी होती है ना वो ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे भर के 1 कप सूजी लिया है, इसमें डालेंगे, और इसके साथ ही ले लेंगे बेसन, जो हमारे किचन में होता है। यानी सबसे मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे तो इसमें डालेंगे बेसन हम 3/4 कप। तो अगर रेशियो में बताऊं तो जैसे सूजी है ना 1 कप, वैसे 3/4 कप बेसन रहेगा। बस इतना चीजें अगर मिक्स करके डालेंगी तो बहुत ही फ्लफी और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसको अच्छे से चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे सूजी और बेसन को। अब इसको बहुत ही यम्मी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम हींग। तो जैसे मैंने 1/2 टीस्पून हींग लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच ना नमक ले लेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के साथ ही ना इसको बहुत बढ़िया से मिलाना है, जो हल्दी है वो अपना कलर ले आएगा। और इसके बाद से इसमें डालेंगे, जैसे मिक्स हो जाएगा ना, 1 कटोरी दही। तो दही अगर फ्रेश रहेगा ना तो नाश्ता जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगा, फ्लफी बनेगा। तो दही को फ्रेश ले लें, मतलब एकदम से ताज़ी दही हो, घर का जमाया हो या पैकेट का हो, ताज़ी हो। और दही डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अभी इसको मिक्स करते समय पानी नहीं डालेंगे, जब इसमें लगेगा कि पानी थोड़ा सा हमें इसमें डालना है, तो जो दही वाला कटोरी था ना उसी में मैंने पानी लिया था, तो पूरा कटोरी दही डालने के साथ ही मैंने 1 कटोरी भर के पानी रखा है, लेकिन पूरा नहीं मिलाया है, थोड़ा सा ही मिलाया है, आधा ही मिलाया है। और इसको बहुत बढ़िया फेंट लेंगे, जैसे चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सूजी है, बेसन है, तो दोनों वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, और इसको खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद से ही इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इतना अभी ठीक होना चाहिए। वैसे भी फूलने के बाद से ना इसमें लगेगा तो बाद में हम और पानी और दही ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी जो है बचा के रखा हुआ है, आधा कटोरी डाला था, और 10 मिनट के लिए ढक के इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो एक बार इसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो इसमें डाल देंगे हम 1 चुटकी मीठा सोडा, तो उतना ही डालेंगे जितना कि बैटर बनाया है। तो मैंने जिस हिसाब से बैटर बनाया था, मैंने 1 से 2 चुटकी के बीच में मीठा सोडा डाला है, जो कि किचन में होता है। और इसके साथ ही करीब 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। तो जो मैंने पानी बचा के रखा था ना, उसी पानी में से मैंने 2 चम्मच के हिसाब से पानी ले लिया है। इसके अलावा इसमें और पानी वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये थिक नहीं हुआ था जो हमने डाला था नाप के। और इसे बहुत बढ़िया से मिक्स करेंगे, जैसे अगर फ्लफी बनाना हो बहुत ही सॉफ्ट ना, तो इसको खूब बढ़िया से चम्मच से मिक्स कर दें। मीठा सोडा डालने के बाद से इसे बढ़िया से हमें मिलाना है। तो मीठा सोडा जो है 10 मिनट रेस्ट के बाद ही डालें, पहले डाल के नहीं उसको छोड़ें। तो ये हमारा बैटर जो है बन के तैयार हो गया है, फाइनली गैस की तरफ आ जाते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पे रखेंगे, मेरे पास अप्पे का जो स्टैंड है, पैन है, वो मैंने रखा हुआ है, उसको गर्म कर लेंगे बढ़िया से। आप इसे इडली मेकर में भी बना सकते हैं, छोटी छोटी इडली बन के आती है ना, वो भी बहुत बढ़िया से लगती है। तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, अप्पे में बना सकते हैं, मतलब छोटा छोटा साइज बन के आता है, देख के बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो जैसे ही पैन गर्म हो गया है, फ्लेम को धीमा कर देंगे, और इसमें मैंने जैसे तेल को डाला था, सरसों का तेल 1-1 बूंद सारे जितने खाने हैं ना उसमें पहले डाल देंगे। और इसके साथ ही जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हल्का सा इसको हिला दिया था मैंने ताकि पूरे अच्छे से चारों तरफ से मिक्स हो जाए, जो हमारा ये बैटर बना हुआ है वो डालेंगे। तो 1 चम्मच से ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, उसी हिसाब से इसमें डालेंगे। और जैसे कि चम्मच अगर छोटा बड़ा हो तो साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए ढक्कन ढकने के बाद, क्योंकि ये फूलता भी है ना, भाई मीठा सोडा डाला है, सूजी है, बेसन है, तो थोड़ा सा ऊपर के साइड में फूल भी जाते हैं। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खाने को जो है फील ना करे, बहुत ज़्यादा नहीं भरे इसको, जैसे मैंने गैप छोड़ा है ना उतना गैप होना चाहिए। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमें ढक के पकाना है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, एक साइड से बढ़िया से पक जाएगा। 5-7 मिनट के बाद से जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए फूल के कैसा हो गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये डालते समय जो व्हाइट में था अभी हल्दी है, तो पूरा कलर जो अपने आप में आ गया है। अब इसको पलट देंगे, तो दोनों हाथों में चम्मच या चाकू वैसे कुछ रखे, फोर्क और नाइफ का इस्तेमाल से मैंने इसको पलट दिया है, बहुत बढ़िया से पूरा उलट पुलट हो जाता है। फिर
क्योंकि चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक आपके का पैन है, और इसको छोटे छोटे जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है देख के, वेस्ट भी नहीं होता है। जैसे आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या खुद भी ले जा सकते हैं। तो जो साइड के गैस होते हैं ना उस पे थोड़ी सी आंच जो है कम थी, तो वो प्रॉपर नीचे से वैसा नहीं हुआ है जैसे कि बीच वाले में पूरा कलर जो है नीचे का चेंज हो गया है। तो ऐसे ही पलट के फिर इसको हम पकाएंगे ढक के, बस लगभग 4 से 5 मिनट में। पहली बारी में 5 से 7 मिनट लगा था और अभी 3 से 4 मिनट में दूसरे साइड से भी हो जाएगा। तो अब इसको एक बार ढक्कन हटाएंगे और इसको चेक कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए थे, मैंने जैसे ढक्कन हटाया ना दोनों साइड से बहुत बढ़िया सा ये फ्राई हो गया, मतलब एक तरह से बन गया है। तो ये ऊपर से ऐसे ही क्रंची क्रंची है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। बस इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें नमक डाला ही है, तो स्वाद में तो वही रहेगा क्योंकि और कुछ चाहिए नहीं। आप चटनी के साथ, सॉस के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। अगर इसको मैं तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए कितना फ्लफी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, और ऐसे बनता है तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब इतना मजेदार लगता है। तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक तड़का लगा दिया जाए तो इसमें जो है ना 4 चांद आ जाएंगे, खाने में और सुपर टेस्टी हो जाएगा। तो इसको हल्का सा बस टॉस करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे। तो फिर से फाइनली गैस की तरफ आ जाते हैं और कोई भी एक पैन चढ़ाएंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाए, सरसों का तेल मैंने डाला है 1 चम्मच, गर्म हो जाएगा, फ्लेम को धीमा रखेंगी, और बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है काली राई, थोड़ा सा मैंने डाला है साबुत जीरा, और एक हरी मिर्ची को बीच से मैंने अलग कर दिया था, और कुछ करी पत्ते। इसको स्लो गैस पे ही इसको भुनेंगे, कुछ सेकेंड में ना ये बहुत बढ़िया से तड़कने लगेंगे, एक तरह से मतलब वो हो जाएंगे, चटकने लगेंगे। जैसे लगे कि अच्छे से चटक गए हैं, इसमें जो हमने ये बना के रखा है ना, छोटे छोटे हमारे इडली की तरह दिख रहे हैं, इडली बोल दीजिए, अप्पे बोल दीजिए, बस इसको डाल देंगे। इसके साथ इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे क्योंकि हमने सादा नमक तो यहाँ पे डाला ही है, तो सादा नमक नहीं डालेंगे, काला नमक डालेंगे। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। मीडियम फ्लेम पे चला के लगातार ना कुछ सेकेंड के लिए हल्का सा टॉस कर लेंगे। इसको ज्यादा पकाना नहीं है, कुछ भी ऐसे मसाले में भी नहीं है कि जो हमें पकने में यहाँ पे टाइम लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे टॉस करना है। ये देखिए मजेदार सा हमारा हेल्दी नाश्ता जो है बन के तैयार हो गया है, बस फटाफट इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो शाम को चाय के साथ आप खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कि इसे आप बच्चों को दे सकते हैं, तो बिना फ्राई किए आप दे सकते हैं जिसमें मिर्ची नहीं हो, और आप खुद भी टिफिन में ले जा सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगता है, और बनता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे ही बनाए तो देख के अच्छे लगेंगे और खाने में वेस्ट भी नहीं होंगे। तो है ना बनाना कितना आसान और एकदम से मजेदार वाला नाश्ता। जो हमारे पास चीजें हैं घर में उसी से हम बना सकते हैं हमारा हेल्दी सुपर टेस्टी यम्मी मजेदार सा नाश्ता। आप इसे जरूर ट्राई करिए। सूजी और बेसन से बने मजेदार हेल्दी नाश्ता जो कभी भी बनाइए, सुबह के नाश्ते में बनाइए, शाम को चाय के साथ ना बहुत मजा आता है, और मैं तो इसे डिनर में खा लेती हूँ, मेरा पेट में भर जाता है, और हेल्दी का हेल्दी भी है। और अभी शाम के समय जैसे पकौड़े वगैरह जो गर्मी में खाने का मन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर अवॉइड करके हम ऐसा नाश्ता बना के खाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो हमारे किचन में होती ही होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करनी है। टाइम बहुत कम लग रहा है इसको बनने में भी, और खाने में उतना ही मजेदार उतना ही सॉफ्ट है। जैसे इसको मैंने जो टॉस कर दिया है ना उससे इसमें जो खाने में 4 चांद आ गए, मतलब मजा जो है दोगुना हो गया है। आप वैसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे मैंने इसको बना के निकाला था, दोनों तरह से खाई जा सकती है। बहुत ही मजेदार नाश्ता है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं और मजेदार रेसिपीज के साथ। थैंक यू।